ये देखो आ गई सब लो, सामने प्रूफ आ गया, ये सामने चलने दो कैमरा, ये देखिए आप देख सकते हो, ये देखो सामने एक केस हो गया। वो गाड़ी देखो, वो गाड़ी जंगल में, और यहाँ के निवासी आ गए हैं, गाड़ी उनकी निकाल रहे हैं। यहाँ पर आकर के सीधे लोग और उस तरफ से, और उस तरफ से आते ही जो है लोग सीधे यहाँ पर जो है, सीधे यहाँ पर जो है जाकर के खाई में चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, यहाँ जाकर के ऐसे जाकर के झाड़ी में घुस जाते हैं। देखिए लोग बताते हैं कि यार आए दिन उनको कुछ ना कुछ, कभी गाड़ियाँ स्कॉर्पियो होती है, कभी बाइक बनती है। आप देख सकते हो किस तरफ ये घूमा हुआ, और उसके बाद ये गाड़ी जब इधर आती है तो इधर ना आकर के नमस्कार और गुड नाइट तो बोल नहीं सकता हूँ, अभी तो शुरुआत की है। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ एक ऐसे प्लेस पर, आप लोगों को लेकर के आया हूँ जिसके बारे में मेरे को कई बार कुछ लोगों ने बताया, एक आध लोगों ने कमेंट्स भी की। तो हालांकि मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, मैं प्रॉपर रात को कोई 12 बजे या 1 बजे नहीं आया हूँ, लेकिन लेट नाइट आया हूँ, ठीक है। और ये इलाका जो पड़ता है, ये जो स्थान है जहाँ मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ, ये है उत्तर प्रदेश कानपुर के आसपास एक छोटा सा गांव तेजपुर। कहते हैं ये एक ऐसी रोड है जहां पर हर 10-12 दिन में कुछ ना कुछ केसेस होते रहते हैं। केसेस ये हैं कि लोग एक तरफ से आते हैं और दूसरी तरफ जब आगे को बढ़ते हैं तो एक ऐसा मोड़ है यहां पर, वहाँ पर उनको ना चाहते हुए भी वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं गाड़ी अपनी, और वो दुर्घटना कहीं ना कहीं हो जाती है उनकी। एक चीज़ और है इस स्थान पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसको पेड़ को आप देख सकते हो, इस पेड़ के इर्द गिर्द और इस रोड पे, अभी मैं आगे भी ले जा कर के आपको दिखाऊंगा, इस पेड़ के इर्द गिर्द बहुत से लोग ये देखो आ गई सब लो, सामने प्रूफ आ गया, ये सामने चलने दो कैमरा, ये देखिए आप देख सकते हो एक मेरे ही सामने केस हुआ, ये देखो सामने केस हो गया है। क्या हो गया यार, बहुत घातक, बहुत ही घातक जो है लगोन नहीं है भाई, तो लग जाएगा उधर पर, आओ उधर पर भाई, इसको उठा लो यार, परेशान हो जाएगा अगला, अरे बैठ जाओ यार सुकून से। तो मैं आप लोगों को बता ही रहा था और इसी बारे में बताने वाला था कि यहाँ पर दुर्घटना अचानक से हो जाती है, और जैसा कि मेरे देखते देखते मेरे कैमरे में आते आते एक दुर्घटना मेरे ही सामने यहाँ पर हुई, और एक भाई जो है यहाँ पर आ रहे थे बाइक से, और उनकी बाइक इस मोड़ पर आकर के गिरी, वो खुद भी गिरे, इनको चोट वोट लगी है, अभी देखते भाई, बैठ जा भाई, और इनकी गाड़ी दिखाओ भाई, उधर रोशनी करो, वो गाड़ी देखो, वो गाड़ी जंगल में, और यहाँ के निवासी आ गए हैं, गाड़ी उनकी निकाल रहे हैं इस वक्त, तो ये देखिए, और ये यहाँ पर दिखाना कैमरा भाई, यहाँ पर आकर के सीधे लोग और उस तरफ से कैमरा, उस तरफ से लोग आते हैं, और उस तरफ से आते ही जो है लोग सीधे यहाँ पर जो है, सीधे यहाँ पर जो है जाकर के खाई में चले जाते हैं। भैया आराम से आप जो घर, मतलब ये मालूम है ये मोड़ का फर्क नहीं भाई, यहाँ पर कुछ है रहता, कुछ खराबी, आप आपका सबूत सामने दिख रहा है यहाँ पे देखो, एक ऐसा स्थान जहाँ मेरे सामने अभी दो दो केस हुए। एक भाई, मैं तो यहाँ पर वीडियो शूट करने आया था, मुझे तो केवल बताया गया था कि ये एक वाकई एक ऐसा स्थान है
कि यहाँ पर हर 15 दिन 10 दिन में जो है, मतलब लोग बताते हैं कि यार आए दिन उनको कुछ ना कुछ, कभी गाड़ियाँ स्कॉर्पियो पलटी मिलती है, कभी बाइक पलटी मिलती है, अचानक से लोगों को क्या हो जाता है, गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाते और आ करके यहाँ पर गिर जाते हैं। तो ये वो जगह है और ये मेरे पीछे जो कोई पेड़ देख रहे हो आप, यहाँ पर लोगों को और भी कुछ कहते हैं लोग यहाँ पर, कुछ लोग यहाँ पर, लोगों का कहना ऐसा है कि यहाँ पर कुछ उनको दिखता है रात में जब वो आते हैं। किसी किसी को यहाँ के ग्रामीण निवासियों को यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ फील हुई है, ऐसा आभास हुआ है यहाँ कुछ है, और कहते हैं कि उसी के चलते, अब कुछ लोग बताते हैं साइंटिफिक रीजन की ये मोड़ जो है, थोड़ा सा मोड़ दिखाना, तो ये जो मोड़ आप देख रहे हो, ये मोड़ मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, इसमें वहाँ तक आप देख सकते हो किस तरह से ये घूमा हुआ है, और उसके बाद ये गाड़ी जब इधर आती है तो इधर ना आकर के सीधे ये खाई में गिर जाती है जाकर के इस तरह से। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे वहाँ पर, थोड़ा सा इसी से रोड से आगे बढ़ते हैं और ऐसी जगह जहाँ पर लोगों को आभास होता है कि कुछ यहाँ पर है। फिलहाल आप देख सकते हो नज़ारा क्या है, और आओ आओ भाई। यहीं पे ये यहीं पे आपको बता दें कि ये वही रोड है जहां पर लोगों को कुछ दिखा है और कुछ फील हुआ है। मैं भी देखता हूँ क्या फील होता है। हल्की हल्की बारिश हो रही है यार, इस वजह से लेट नाइट नहीं आया हूँ, लेकिन नाइट में हूँ। यहाँ पर ये जगह आप देख रहे हो, ये जगह आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा पीछे हो, ये वो खेत है, ये वो जगह है जहाँ पर लोगों को कुछ फील होता है, कुछ ऐसा लोगों का मानना है, यहाँ पर कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने बताया यहाँ से चिल्ला करके कुछ लोग भागे हैं, क्या दिखाई दिया उनको क्या नहीं दिखाई दिया कुछ बताया नहीं जा सकता। हम अभी जब आ रहे थे रास्ते से तो हमको एक बुजुर्ग आदमी मिले, उन्होंने हमको बल्कि रोका यहाँ पर आने के लिए, लेकिन मैं अपने, चूँकि मैं बाइक आइक तो लिए नहीं, मैं आज अपनी कार से आया हूँ, तो खुद ही मेरे को मालूम था किस तरह से वहाँ पर, जब पहले ही बता दिया जाता है किसी को कि ऐसा ऐसा मोड़ है, ऐसी ऐसी जगह है, तो खुद ही इतना जो है अवेयर होकर के चलता है। तो उन्होंने कहा कि बेटा वहाँ संभल करके जाना, वो जगह ठीक नहीं है, वो एक अजीब सती रहा है, वो मोड़ ही इतना घातक है। अच्छा, पहले मैंने यहाँ पर आ करके भी उसको जब देखा तो मेरे को इतना उसमें कुछ फील नहीं हुआ कि यार ऐसा कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, वो बड़ा नॉर्मल सा लगा जैसे होते हैं रास्ते गाँव गलियारों में। लेकिन मैं जैसे ही बोल रहा था, मेरे बोलते बोलते अचानक से जो है मेरे सामने ही भाई जो है आकर के, एक बाइक बहुत तेज़ी से आ रही थी और पता नहीं क्या उसको हुआ, और वो आते आते रोड मेरे को दिख रही है कि मैं रोड देख रहा हूँ कि मेरे सामने रोड है, और वो मेरे सामने ऐसे आया और वो यहाँ ना आ करके वो ऐसे खाई में गिर गया जा करके मेरे सामने ऐसा। तो वो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में जो ये थोड़ा सा इंट्रो डाला उसे आप देख सकते हो कि वो वही एक्सीडेंट है। उसके बाद दूसरा एक साइकिल वाला आया, वो भी जा करके पेड़ों में चला गया। तो हालांकि किसी को प्रॉपर किसी को इस तरीके से कैप्चर करना गिरते हुए वो भी ठीक नहीं है, तो मैंने उसको मना कर दिया अपने कैमरामैन को कि भाई ये ठीक नहीं है, आपने जो भी शूट कर, उसने दरअसल इसलिए कर लिया कि यार आप लोगों को दिखाया जा सके बताया जा सके। तो ये वो जगह है जहाँ पर लोग कहते हैं कि यहाँ पर कुछ उनको दिखता है, आभास होता है। तुमने कहाँ पर देखा था?
मैंने यहीं पे देखा था, यहीं खेत पे आए हुए थे हम लोग सुबह रात को वहीं पे, तो अच्छा 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 देखा कि यहाँ पे मतलब कुछ साया टाइप का नज़र आया एक, तो हमें मतलब आवाज़ हुआ कि शायद ऐसा होता था कुछ जंगली जानवर था, थोड़ा हमको बता सकते हो? जैसे ये जहाँ भी ये पेड़ खड़े ना, ये तिली लिली जो खेत है ये, तो यहीं पे हम लोग सुबह रात को मतलब फिर सुने आए थे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे दौड़ लगाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो यहीं पे आए हुए थे तो देखा कि कुछ साया सा है, तो हम लोगों को उसको पत्थर मारा तभी वो गायब नहीं हुआ, फिर थोड़ा सा हमें अजीब सा एहसास हुआ हमने, तो हम लोगों ने वहाँ पे कुछ नहीं बोले, बस सीधे वहाँ से उठे हैं और सीधे चले आए घर। आकर मेरी थोड़ी तबीयत थोड़ा डाउन हो गई। यहाँ पर दिखा था क्या, कोई इंसान दिखा था, कोई जानवर दिखा था? नहीं, एक मतलब सफ़ेद मतलब तरीके का कुछ साया टाइप का नज़र आया था, मतलब प्रॉपर मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि वो इंसान था जानवर था या क्या था, बट था कुछ। अच्छा अच्छा। उसको बुम्मा या पत्थर से तुम लोगों ने? हाँ, मैंने मारा था उसको। उसको तुम लोग कई लोग आए थे? हम लोग दो लोग थे। दो लोग? हाँ, हम लोग दो लोग थे। अच्छा अच्छा। और पत्थर मारने के बावजूद भी वो यहाँ से हिला ही नहीं? अभी तो हमको कोई नहीं यहाँ दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे और यहाँ पर, और थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या है। हाँ, कुछ ऐसा कुछ तो नहीं। दोस्तों आप आवाज़ सुन सकते हो, मैं थोड़ी देर के लिए शांत होता हूँ, कि आवाज़ यहाँ की क्या कुछ दृश्य है यहाँ का, आवाज़ का आप फील करने का थोड़ा फील करो। आप लोग तो माहिर हो, बहुत सारे जो है हॉन्टेड चैनल देखते रहते हो और हर तरीके के जो है चीज़ें देखे हो आप लोग, तो फेक भी देखे हो रियल भी देखे हो, आपको ज़्यादा अनुभव है मेरे से ज़्यादा। इस आवाज़ को फील करिए, सिवाय झिंगुर के और भी यहाँ पर बहुत सारे कीट या छोटे छोटे जीव जंतु हैं, वो रात को आवाज़ कर रहे हैं। तो बस मेरी कोशिश ये थी कि यार कहीं रात पे अपना आते हैं, कहीं निकलते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें अगर दिख, जब कोई बताता है कि यार यहाँ स्पॉट ऐसा है तभी रुकते हैं, वो फर्जी फिकेशन वाला काम नहीं है अपने पास। और भाई 12 एक बजे भी मैं नहीं आ सकता हूँ सीधी बात, तो मेरे को बताया किसी ने, तो मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं जा करके। और रात हो गई भाई, भूत यहाँ इन लोगों को दिखा, तो अगर होता तो कहीं ना कहीं हमको भी छूटता। फिलहाल मेरा ऐसा मानना है कि होंगे ज़रूर, होती हैं ऐसी शक्तियाँ यार, निगेटिव शक्तियाँ होती ज़रूर हैं। और ये तो नहीं कह सकते ना कि भूत नहीं होता, हम कभी ये अपने वीडियो में कहे भी नहीं है, ठीक है होता है, मैं तो ये शुरुआत से कहता हूँ होता है, नहीं होता भाई तो की बात ही अलग, हम दूसरों में कमी निकालते फिरते। तो बताइएगा आप लोग कमेंट में कैसा लगा आपको वीडियो। गाड़ी अपनी आ चुकी है, आप देख सकते हो सामने गाड़ी, इंडिकेटर इसलिए खोल आए थे क्योंकि रोड ही बहुत घातक है, और जैसा कि आपको बताया कि यार यहाँ पर चलते चलते लोग आते कहीं से हैं, घुस कहीं जाते हैं, तो वो भी ठीक नहीं, इस वजह से मैंने गाड़ी की लाइट अपने इंडिकेटर ऑन कर रखे हैं। सो वीडियो बस इतना ही सा था, और कुछ अगर कभी हो सकेगा कहीं जाने का तो जाएंगे भाई। और हाँ, हमें आपको एक बार कायदे से वो स्पॉट दिखा देता हूँ जहाँ पर लोगों के साथ ये हादसे होते हैं, वो रोड कैसी है क्या है, उसको आप लोग थोड़ा सा बारीकी से देखने का प्रयास करना और समझने का प्रयास करना क्या है वो। तो चलिए देखिए, ये वो रोड है जहाँ से लोग आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लाइट तेज करते हैं और कोशिश करते हैं आपको दिखाई दे, तो ये वो रोड है जहाँ से लोग आते हैं, और आने के बावजूद आने के बाद क्या होता है कि इस तरह से देखो, ये मेरी गाड़ी, जहाँ मेरी गाड़ी ये खड़ी है, ठीक है, ये देखो ये तिराहा है, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद लोगों के साथ घटना हो जाती है, लोग गिर जाते हैं, ये देखिए, और सामने से भी ये रोड बिल्कुल सीधे से चलती चली आ रही है, तो ये देखिए ये सामने से रोड आ रही है और यहाँ से लोग सीधे से चलते चले आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मेरे पीछे से रोड आ रही है
ये रोड पे आ करके सीधे यहाँ जाना चाहिए उनको, यहाँ नहीं जाते हैं वो, यहाँ चले जाते हैं और यहाँ जा करके ऐसे जा करके इस झाड़ी में घुस जाते हैं। देखिए ऐसे आते हैं और ऐसे आ करके इस जगह पर जा करके खंडहर में घुस जाती है। क्या है ये जो भी बना हो, यहाँ पर नाला आला कुछ है, ठीक है, यहाँ पर घुस जाते हैं। अभी अभी भाई हमारा एक बाइक वाला भी गिरा हमारे सामने, तो बस इतना सा था। और ये अपनी गाड़ी है, तो फिर गाड़ी की तरफ प्रस्थान करते हैं और चलते हैं भाई। इससे ज़्यादा मैं सूट उट नहीं करूँगा क्योंकि पागलपना लगता है, कहीं रात में निकलो बारिश भी हो रही है, हमको तो बेवकूफ़ी लगती है। भूत भूत ढूंढने निकलते हैं, जिन्हें भूत पहले नहीं दिखता था उनको दिखने लगा है, और खैर जिन लोगों को शुरुआत से नहीं दिखने का काम था उनको आज भी नहीं दिख रहा है, तो वो चल रहा है। तो कुछ ठीक है, कुछ नहीं भी ठीक है, ओवरऑल यूट्यूब के लिए सब ठीक है। मेरा मानना है, जब मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि यार अब रात रात में निकलने वाला काम हमको नहीं करना है, ठीक है ना, ये हॉन्टेड पॉन्टेड ये सब बकवास चीज़ें मेरे को लगती हैं। जो मेरा उसूल है, जो मेरा काम है एनालिसिस का, मैं वही प्रॉपर तरह से करूँगा। और हाँ, थोड़े से अपने चैनल को कन्वर्ट करूँगा, डाइवर्ट करूँगा रहस्यमयी और ऐतिहासिक की तरफ। और अगर कुछ हॉन्टेड भी मिलता है तो फिर 1 बजे और 12 बजे जाने का क्या मतलब भाई, जो जिनका काम वो जा रहे हैं ना, तो उन दोनों को लोग देख ही रहे हैं ऑलरेडी। मैं 7-8 बजे निकलने वाला आदमी, 8 बजे या 9 बजे, अभी फ़िलहाल 9 के आसपास टाइम, 9:30 के आसपास टाइम है, या बहुत ज़्यादा 10 बज रहा होगा, इसे ऊपर नहीं है। तो बस एनालिसिस अपना काम है वही करता रहूँगा। सो होप टू सी यू अगेन सो लॉन्ग विद अनदर कंटेंट। नंदन वाजपेयी।